नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। रुक करते हैं पहली खबर का। कोरोना को लेकर झांसी जिले में अब संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात अगर की जाए तो सिर्फ 98 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं और 6 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 2,270 पर पहुंच चुकी है। टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,584 पर पहुंच चुकी है। वहीं 149 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिलाधिकारी आंध्र वामसी के कड़े प्रयासों से झांसी जिले में मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। अब जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के एक धीरे पड़ने के साथ ही हालत भी लगातार सामान्य होने लगे हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बने कोविड अस्पताल में 25% पलंग खाली हो चुके हैं। कोरोना से पिछले 10 दिनों पहले झांसी के हालात गंभीर होते नजर आ रहे थे। हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन झांसी जिलाधिकारी आंध्र वामसी के कड़े रुख से और कड़ी कोशिश के बाद अब जिले की हालत स्थिर होती जा रही है। वहीं झांसी जनपद में कोविड-19 थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए भी जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने विकास भवन सभागार में बाल रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ और विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करके अभी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को संक्रमित होने से रोका जा सके। यहाँ पे आज हमारे बीच में जो भी उपस्थित है, इस सिस्टम को लागू करने में तो एक हफ्ता तो लगेगा कम से कम, क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग होना है, आप लोगों को अपना डेटा एंट्री ऑपरेशन से अपडेट भी करना है और सब लोगों को ये जितने भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये फैसिलिटी स्टैटिक नहीं है, फैसिलिटीज डायनेमिक है। कभी किसी के पास 4 वेंटिलेटर हो सकता है, कभी किसी के पास वो 4 बढ़ के 6 भी हो सकता है या 4 बढ़ के 2 भी हो सकता है। कारण क्या है कि वेंटिलेटर कुछ खराब हुआ होगा या कुछ बाइपैक ठीक नहीं होगा या बाइपैक सर्विस के लिए पेंडिंग होगा, कुछ फॉल्टी बाइपैक हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में यू शुड बी कंटिन्यूसली अपडेटिंग योर फैसिलिटीज अवेलेबल होगा। दूसरी बात, हम लोगों को अपना डिफरेंस या डिस्टिंक्शन रखना पड़ेगा आईसीयू बेड का और नॉन आईसीयू बेड। इन जनरल नॉन आईसीयू बेड आज चाहिए तो नॉर्मल एचएफओ भी बेड है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव ड्यूटी में कर्मचारियों की मौत का जो मामला है उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक इस पूरे मामले को लेकर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देश दिए गए इस पूरे मामले को लेकर यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग से बातचीत करके इसका हल निकालने की बात कही गई। आपको यह भी बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति चरम पर है। पीड़ितों को तत्काल सहायता के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आर्थिक सहायता और नौकरी देने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो भी एक सरकारी प्रावधान है उसके तहत जो भी जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस ड्यूटी के दौरान, उन पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से बातचीत की जाए और तमाम जो लोग पीड़ित परिवार हैं उनकी आर्थिक सहायता की जाए। साथ में नौकरी की बात भी कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीते रोज ही सरकार ने कहा था कि 3 शिक्षकों की मौत इस दौरान हुई थी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अब स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है, उनमें से एक झांसी, जहां के जो हालात हैं पहले से बेहतर होते नजर आ रहे हैं। यहां पर लगातार जो अलग अलग तरह की कोशिश की जा रही है ताकि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके, जिसका असर भी अब देखने को मिला है। बीते 10 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जिले की जो स्थिति थी वो गंभीर नजर आ रही थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक अलग तरह की कोशिश की गई, सख्ती की गई, साथ में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब स्थिति बेहतर नजर आ रही है। वहां के जिलाधिकारी आंध्र वामसी के कड़े रुख से और कड़े कदम के बाद में फिलहाल झांसी की जो स्थिति है वो बेहतर नजर आ रही है। इसको लेकर लगातार कदम उठाए गए, बैठकों का दौर जारी रहा। किसी से भी कहीं कोई लापरवाही होती थी तो इसको लेकर सख्ती की गई कि कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और यही वजह है कि फिलहाल झांसी की जो स्थिति है वो बेहतर नजर आ रही है। 100 से भी कम जो नए केस सामने आए हैं, लगातार टेस्टिंग वहां पर जारी है, लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 100 से भी कम जो आंकड़े वहां पर सामने आए हैं बीते 24 घंटे में, और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह
तीसरी लहर जिसको लेकर पूरी दुनिया आज भी खौफ में है, उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चाएं जोरों पर है कि तीसरी लहर एक बार फिर से जो भारत में आ सकती है उसको लेकर, जहां केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर अभी से बैठकों का दौर जारी है, और खुद उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी तीसरी लहर को लेकर कई बार जो निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर बैठकों का दौर जारी है, जगह जगहों पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी की हम बात करें तो जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाए हैं, बैठक की है और निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से कदम उठाने हैं, किस तरह की स्थिति हमें बेहतर बनाना है ताकि बच्चों में और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें किसी भी तरीके से संक्रमण का जो दौर है वो देखने को ना मिले। तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं लगातार नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, हर रोज जो संख्या है वो बीते रोज के मुकाबले कम होती नजर आ रही है, और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि अगर हम 10 दिन पहले की हम बात करते तो आंकड़े करीब 20,000 से ऊपर नजर आते थे। एक दिन एक आंकड़ा ये भी था कि 30,000 से ऊपर आंकड़े सामने आए थे, लेकिन लगातार एक कड़े कदम के साथ, कोशिशों के साथ आंकड़े बदलते गए। और आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आपको बताएं कि 10,000 से कम आंकड़े आने लगे हैं, साथ में जो संक्रमित जो मरीज है उनकी मौत का जो सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था उसमें भी भारी कमी दर्ज की गई है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर लगातार सख्ती और जागरूकता के बाद में जो आंकड़े हैं कोरोना संक्रमितों के उनमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। उनमें से एक झांसी जिला, जहां पर अक्सर जो आंकड़े जो 10 दिन पहले बहुत लोगों के बीच में थे, देखने को मिलते थे, लोगों में डर का माहौल देखने को मिलता था, नए आंकड़े लगातार चिंता पैदा कर रहे थे, लेकिन अब उस पूरे मामले को लेकर स्थिति काबू में नजर आ रही है। आलम यह है कि बीते 24 घंटे के अंदर मात्र 100 से भी कम आंकड़े सामने आए हैं, यानी कि 98 मामले सामने आए हैं। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि लगातार लोगों को जागरूक करना वहां प्रशासन की एक सबसे बड़ी एक उनकी जरूरत है, और ऐसे में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े और संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बीते 10 दिन पहले आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे थे, लेकिन बीते 10 दिनों से सख्ती और जागरूकता के बल पर और वैक्सीनेशन के बल पर अब जो आंकड़े हैं वो लगातार धीमे पड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लखनऊ में मामले सामने आते थे, लेकिन लखनऊ की स्थिति भी अब बेहतर हो चुकी है, वहां पर भी आंकड़े दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो वहीं बात अगर झांसी की हम करें तो झांसी की स्थिति भी गंभीर नजर आ रही थी, लेकिन अब झांसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो झांसी में हालात लगातार सुधरते नजर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो पाया है तो आपको बता दें कि जिलाधिकारी आंध्र वामसी के कड़े रुख और जागरूकता अभियान के चलते स्थिति झांसी में बेहतर हुई है। वहां पर लगातार लोगों को जागरूक किया गया, लगातार स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, किसी भी तरीके की जो मामले जैसे सामने आते थे उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार के एक उनके निर्देश हैं 3T उनको लेकर कदम उठाए गए, यानी कि सबसे पहले ट्रैक करना, टेस्ट करना और ट्रीट करना। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना संकट के मसले पर जिलाधिकारियों के संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की। बैठक में 10 राज्यों के डीएम ने हिस्सा लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल का कोई डीएम शामिल नहीं हुआ। इस मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि हमारे डीएम वहां पर शामिल नहीं हुए क्योंकि बतौर सीएम में वहां पर मौजूद थी, तो हमने डीएम को वहां शामिल नहीं होने दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सिर्फ बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी, हमको बोलने नहीं दिया गया, सभी मुख्यमंत्री सिर्फ चुपचाप बैठे रहे और हमें कुछ भी कहने नहीं दिया गया। हमको वैक्सीन की डिमांड रखनी थी लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना कम हो रहा है, लेकिन पहले भी ऐसा ही कहा गया था, हम 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखने वाले थे लेकिन कुछ कहने नहीं दिया गया। इस महीने 24 लाख वैक्सीन मिलनी थी लेकिन सिर्फ 13 लाख ही मिल पाई। ममता बनर्जी बोली कि हमें रेमडेसिविर भी नहीं दी गई है, प्रधानमंत्री मोदी मुंह छिपाकर भाग गए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब कोरोना केस बढ़े तो बंगाल में केंद्र टीम भेज दी गई, लेकिन गंगा में शव मिले तो वहां क्यों टीमें नहीं भेजी गई। देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है, और ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार अभी से तीसरी लहर को लेकर भी चिंता व्यक्त करने लगी है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है।
और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता उमेद सिंह हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की थी, डीएम शामिल हुए, मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुंह छिपाकर भाग गए, हमें कुछ बोलने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, ममता बनर्जी जी का सब सम्मान करते हैं, उनको दीदी कहकर संबोधन करते हैं लोग, लेकिन उनको लगता है कि इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के बारे में बोलती हैं जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, ये सभ्यता की निशानी नहीं है। वो मुख्यमंत्री तीसरी बार बने हैं, कम से कम उनको एक प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना सीखें। वो भी मुख्यमंत्री हैं ताकि उनकी जनता उनका भी सम्मान करे, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और कौन मुंह छिपा के भाग गया और क्या हो गया, आज माननीय प्रधानमंत्री देश की जो हालात हैं उससे वो लड़ रहे हैं, और ये लोग जो है केवल अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काम करें, प्रदेश को संभालें, जनता ने उनको सम्मान दिया है, उसको ध्यान दें, उसको ध्यान में दे करके अपने बात पे, अपने बात करने के लहजे को संभालें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और उसको जो है आज प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो पूरा देश नहीं दुनिया देख रही है, वो अपने देश के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, और जिस तरह से दुनिया की मदद के लिए वो खड़े होते थे, आज दुनिया हमारे देश के लोगों के लिए, जनता के लिए, मदद के लिए खड़ी है। जिस तरह से आज आप लोग सब देख रहे हैं रात दिन, जिस तरह से लोग जो है मदद कर रहे हैं, तो आज इसकी जरूरत है, आज काम करने की जरूरत है, आज लोगों को बचाने की जरूरत है, लोगों की मदद की जरूरत है, आज राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों पे जो शब्द का वो प्रयोग किए हैं वो घोर निंदनीय है, उसकी जितना निंदा की जाए कम है। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएमसी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। संजय जी, मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई गंभीर आरोप लगा है तो ये इसका बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लगा होगा, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई गंभीर आरोप लगाया गया है तो कोई और सामने आकर के संजय चक्रवर्ती जी, ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें बोलने नहीं दिया, वो मुंह छिपाकर भाग गए, मैं खुद वहां पर मौजूद थी इसलिए हमने डीएम को नहीं आने की इजाजत दी, जब बाकी राज्यों के डीएम उसमें शामिल थे, बाकी मुख्यमंत्री शामिल थे, तो आखिरकार पश्चिम बंगाल की डीएम के साथ में क्या समस्या थी, क्यों आखिरकार उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में इस तरह के गंभीर आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगा रही है? देखिए, जब पहली बात तो ये है कि जो प्रदेश के जो मुखिया है, अगर आप उनकी ही इज्जत नहीं करें तो आप डीएम की क्या इज्जत करेंगे, इसी वजह से जो है डीएम को आने नहीं दिएगा। जब हम लोगों को रेमडेसिविर की नहीं जरूरत थी, जब हमें जो है बेड्स की जरूरत है, हम ये सारी चीजें हमें जब जरूरत पड़ रही है, अगर वहां पे ममता दीदी को जो है अगर वहां पे बोलने का मौका नहीं दिया गया, केवल सिर्फ और सिर्फ जो भाजपा के चुने हुए लोग हैं उनको मौका दिया गया, उनके राज्य के लोगों को मौका दिया गया है, तो वहां पे फिर हम पश्चिम बंगाल के डीएम जो इस समय वर्किंग पे लगे हुए हैं उनको क्या जरूरत है वहां पे उनको बैठा करके सिर्फ और सिर्फ उनके समय को खराब करना है, क्योंकि ये इस समय विपत्ति काल चल रहा है, बहुत बड़ा विपत्ति काल चल रहा है देश के ऊपर, और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज जो परिस्थिति आके खड़ी हुई है, आज आप देख रहे हैं, कहते थे गंगा माँ ने बुलाया है, वाकई में गंगा माँ ने ऐसा जो है की पोल खोल कर रख दी, इन्होंने जो है लाशों को बालू के अंदर जो ढक करके रखा हुआ था, आप खुद सोच सकते हैं किस धर्म में जो है बालुओं के अंदर जो है गंगा के धार पे किस धर्म ना हिंदू उसको। संजय जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास बहुत वक्त है, उनके साथ अगर आप अपने कुछ मिनट अगर आप कुछ उनके साथ चर्चा करते तो आपका वक्त जाया होता, ये कहने की आप कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री को बोलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है तो बाकी और किसको क्या मौका मिलेगा, तो मुख्यमंत्री को जो है केवल हम अगर किसी क्लास के बच्चे होते, किसी क्लास में अगर हम पढ़ा भी रहे होते हैं ना, तो वहाँ बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। 10 सेकंड आपके पास। देखिए मोहित जी, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री भारत के हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो जितना समय एक नीचे से लेकर के और ऊपर तक सभी के लिए देते हैं, और वो शायद 24 घंटे में 18 घंटा काम करते हैं, उनसे ज्यादा समय देने वाला शायद प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। इसके बावजूद ठीक है उमेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपका कमेंट मैं पूरा नहीं करा पाया लेकिन समय की कमी के चलते, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कोरोना की दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में दौरा करने लगे हैं, हालांकि कई जगहों पर उन्हें गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड के झबरेड़ा से सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल जैसे ही पीएचसी पहुंचे उन्हें ग्रामीणों ने घेर लिया और खरी खोटी सुनाने लगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल झबरेड़ा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीण इकट्ठा हो गए और गांव में ही वहां पर इस दौरान उनकी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधायकों का आने वाले विधानसभा चुनाव में गांव में घुसने नहीं देने की बात कही गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा है और साथ में वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल से एक ग्रामीण कहता है कि विधायक जी, आपसे आपके सिर्फ पद का सम्मान है जो आज आपको छोड़ रहे हैं। अगर आप इलेक्शन टाइम वोट मांगने आएंगे तो गैलरी में आपके लिए लड़ तैयार हैं। और साथ में ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को सीधे सीधे धमकी देते हुए गांव से चले जाने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में घूम रहे थे और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान उन्हीं की विधानसभा के एक गांव में लोगों ने उन्हें घेर लिया और जमकर विधायक की क्लास लगाई, हालांकि इस दौरान विधायक ने चुप्पी साध ली। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में लट रखा, ध्यान रखिए उस बात को, बता रहा हूँ आपको और पूरे गांव की तरफ से बता रहा। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं। आप छीतने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया यहाँ, ठीक है? नहीं, उस दिन से नहीं आया। जब आप परसों अस्पताल पाए थे, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रात को एक वीडियो दे रहे हो बस कि मैंने कर दिया। आप यहाँ करो ना, आपको पत्रकार पकड़ना को ढंग का पकड़ो। आपके पास फोन, आप अपने फोन से अपनी वीडियो डालो। ये नहीं, आप उस बलात्कारी के पास बात करोगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से ग्रामीण जो लोग हैं वो खासा गुस्से में नजर आए, लेकिन विधायक वहां पर चुप्पी साधे रहे और विधायक के सामने बहुत ही अपमानजनक बातें करते हुए ग्रामीण वहां पर नजर आए हैं। ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर बातें उन्होंने विधायक को लेकर कही हैं, लेकिन इन बातों को लेकर अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। यकीनन कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, लेकिन इसको लेकर सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके से एक विधायक का इस तरीके से अपमान किया जाना कितना जायज है। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि इतनी गंभीर बातें विधायक के लिए कही गई हैं। ये कहा गया है कि आप विधायक पद पर हैं,
विधायक अगर आप ना होते और विधायक छोड़कर आप जब वापस आएंगे इलेक्शन के दौरान वोट मांगने के लिए, तो गैलरी में लठ रखा है और आप छितने का ही आपने काम किया है। आपने बीते इतने साल में क्या आपने इस क्षेत्र में विकास किया है, इन तमाम सवालों को लेकर ग्रामीण नजर आ रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर चर्चाएं इस वक्त जोरों पर हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, तो साथ में ये भी कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस तरीके से एक विधायक के साथ इतनी अपमानजनक बात क्यों कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये विधायक हैं और इन विधायक ये बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने घेर रखा है। इस दौरान विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। इतना ही नहीं, एक ग्रामीण के द्वारा सीधे तौर पर विधायक को धमकी दी गई। ये कहा गया कि आप विधायक हैं, आपके पद का सम्मान है, अगर आप विधायक ना होते और विधायक की छोड़कर जब आप वापस आएंगे इस गांव में, तो गैलरी में लठ रखा है, लठ के जरिए आपकी सेवा की जाएगी। तो आपको एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं कि आखिरकार ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा और विधायक क्या कुछ कह रहे थे। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है, जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में लट रखा, ध्यान रखिए उस बात को, बता रहा हूँ आपको और पूरे गांव की तरफ से बता रहा हूँ। आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया यहाँ नहीं, उस दिन से नहीं आया। जब आप परसों अस्पताल पाए थे, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रहा है, एक वीडियो दे रहे हो बस कि मैंने कर दिया। आप यहाँ का करो ना, आपको पत्रकार पकड़ना, कोई ढंग का पकड़ो। आपके पास फोन, आप अपने फोन से अपनी वीडियो डाल लो। ये नहीं, आप उस बलात्कारी के पास बात करोगे। किसने करवाई इसके अंदर? तो आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक उस इलाके का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जैसे ही ग्रामीणों को ये सूचना मिली कि विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, तो भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए और इस दौरान बीजेपी विधायक की जमकर क्लास लगाई। बीजेपी विधायक पर भड़कते हुए तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिनको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो कुछ लोग ग्रामीणों का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि एक चुने हुए विधायक, चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके से बातें करना कितना जायज है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक वहां पर चुपचाप खड़े हैं, लेकिन एक ग्रामीण बहुत ही गंभीर बातें कहते हुए इन्हें धमकी देता नजर आता है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन ग्रामीण यही नहीं रुकते। एक ग्रामीण का आरोप है कि आपने बीते इतने सालों के अंदर हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ आपके पद की गरिमा को देखते हुए आपका सम्मान करते हैं, आपके पद की सम्मान करते हैं, जब आप ये पद छोड़ दोगे तो आपकी पिटाई की जाएगी। पद छोड़ने के बाद अगर आप इस क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आते हैं तो गैलरी में लठ पड़ा है, आपने छितने वाले काम किए हैं, और मारपीट की सीधी धमकी इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोगों ने की है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरीके से ये रवैया अपनाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखें और समझें कि आखिरकार कैसे एक विधायक के साथ इतनी अपमानजनक तरीके से बात की जा रही है। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार एक जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरह का सलूक भी कोई कर सकता है। ये बीजेपी के विधायक थे, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक गांव के सीएचसी उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने उनके साथ
जमकर बवाल किया, जमकर खरी खोटी सुनाई। तो तस्वीरें सामने हैं, लेकिन इन तस्वीरों को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं उन ग्रामीण लोगों का जिन लोगों ने विधायक के साथ इस तरीके की खरी खोटी सुनाई, लेकिन सवाल यह भी कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरीके से बात करना कितना जायज है। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।